Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. Two stars on your shoulders are better than millions in the sky. क्या आपके अंदर जज्बा है एक आर्मी ऑफिसर बनने का? क्या आप में जुनून है एयरफोर्स पायलट बनके आसमान को छूने का? चलो एक नेवी ऑफिसर बनते हैं और करते हैं समुद्र से बातें। डिफेंस के हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अड्डा 24/7 लेके आ रहा है आपका अपना डिफेंस अड्डा। तो गाइस हो तैयार? हाउस द जोश। गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू एसएससी अड्डा में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे सर आपके आज के पार्ट टू की। लास्ट क्लास में हमने पार्ट वन कवर किया था, यानी कि आपके हम जो बात कर रहे हैं वो एमसीक्यू जो आपके एसएससी में के पेपर में जो आपके कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं और उनमें से कौन कौन से बेस्ड आपके ऐसे हैं जो कैसे हैं जो हार्डवेयर बेस्ड होते हैं आपके, ठीक है, उसकी बात कर रहे थे हम लोग, राइट। तो भाई जल्दी से फटाफट से लिंक को फटाफट से शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, जिससे कि आप लोग कंप्यूटर के अंदर एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए यार, राइट। तो बच्चों फटाफट से हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट पर, राइट। तो भाई हमने देखा था लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और हर क्वेश्चन को हमने प्रॉपर तरीके से उसकी थ्योरी को भी समझा था और क्वेश्चन को भी किया था। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो भाई जल्दी से फटाफट से वो मेरे को यहाँ बता सकता है, जिससे कि हम वो वाली प्रॉब्लम उसकी दूर करें, राइट। तो भाई जल्दी से आते हैं हम लोग पढ़ने टॉपिक पर। यस यहाँ पर और जल्दी टाइम से आया करो यार, सभी लोग लेट आते हैं हम लोग। तो दिखाई दे पहला क्वेश्चन क्या है सर आपका यहाँ पर? तो देखो ये है आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर, भाई क्वेश्चन नंबर आपको 20 दिखाने हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से दिखाना, ठीक है। ये हमारे 21, 1, 2 कवर हो चुके हैं। यस गुड इवनिंग ऋचा, गुड इवनिंग यतावंशी, चलिए वेरी गुड। आ जाओ भाई जल्दी से, बाकी लोग भी आओ यार, ठीक है। तो यार देखो होता क्या है कि भैया हमें पता है कि यार हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो भाई थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ी नहीं सर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। भाई देखो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन कहता है कि भाई इन में से विषम को ज्ञात करिए, यानी कौन सा इसमें से ऑड है। यार ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है, ठीक है। यानी कि चार दिए हैं ऑप्शन आपके सामने, राइट, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो ऑड होगा, या तो इनपुट होगा या फिर आउटपुट ही होगा, राइट। तो जैसे आप प्रिंटर है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, माउस है। अब देखो यार जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, माउस है, ये तीनों के कैसे आपके इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर कैसा है आपका आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या बनता है आपका यहाँ पर? प्रिंटर बनना चाहिए, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या लगाते हैं बच्चे। यस साइबर वर्ड लगा रहे हैं ए, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताओ जल्दी, देखो कमेंट जरूर करना है आपको, आंसर जरूर बताना है, जो भी आपका आंसर हो उस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर देना है यार। अगर आंसर नहीं दोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो सर फिर मजा नहीं आएगा भाई, ठीक है। यस दीपा गुप्ता यहाँ पर आ चुके हैं, सौरभ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और ये बता रहे हैं आंसर आपका ए, और आपके कुछ बच्चे बी भी बता रहे हैं। देखो बी आंसर नहीं होगा इसका, इसका आंसर होगा आपका ए, प्रिंटर, राइट, क्योंकि बाकी सारे हमारे क्या इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जो आपसे या तो ये पूछेगा कौन सा ऑड है, कौन सा इवन है, या फिर इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सामने क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो जो आपसे मैं कह रहा था अभी, वो अब इसको ऐसे नहीं तो ऐसे पूछ लिया कि भाई इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो भाई स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर, और इनमें से कोई नहीं। तो यार आपको ये बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। ऑप्शन द ए स्कैनर, माउस, कीबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर, नन ऑफ दिस। आपको टाइम देता हूँ यहाँ 10 सेकंड का, बताइए सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है आपको आंसर सही क्या होगा। चलिए
तो यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चे, डी डी डी, वेरी गुड। राजेश भी डी दे रहे हैं, वे दीपा भी दे रहे हैं, साइबर वर्ड ए। ठीक है, देखते हैं डी में क्या है। माइक्रोप्रोसेसर, बिल्कुल सही बात है सर। बाकी सारे क्या है, आपके इनपुट डिवाइस है। माइक्रोप्रोसेसर कैसा है आपका? प्रोसेसिंग डिवाइस। बताया था आपको लास्ट क्लास मैंने कि भाई माइक्रोप्रोसेसर जो होता है हमारा कैसा होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो आपके वो क्वेश्चन हैं जो आप एग्जाम में आपके आ चुके हैं। ठीक है, अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सीरीज कराने वाला हूँ उसमें आपको मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हैं, राइट, जो आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए होंगे। तो डिस्कस प्रॉपर क्वेश्चन का भी होगा, साथ में थ्योरी बताई जाएगी जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा, ये हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो भाई ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तथा फिजिकल डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका? सॉफ्टवेयर या द हार्डवेयर या ह्यूमन वेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दिस। तो भाई बहुत ही बना, मतलब फिजिकल जो होता है डिज़ाइन आपका कंप्यूटर का वो क्या होता है भाई आपका? तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर बताना है आपको, राइट आंसर होगा आपका हार्डवेयर, है ना? क्योंकि सर जो आप डिवाइसेस की बात करते हैं, राइट, तो भाई आपके हार्डवेयर से ही मिलकर क्या बनता है आपका कंप्यूटर, एक सिस्टम बनता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि घर जब बनाते हैं हम लोग तो यार घर में हम लोग एक एक ईंट रखते हैं, ईंट लगाते हैं, बालू लगाते हैं, सीमेंट लगता है, तब जाके घर बनता है, है ना? ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम जब बनता है तो भाई उससे हम लोग कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, एक प्रॉपर पूरा सिस्टम बनता है जिसे आप एक क्या कहते हैं, नाम देते हैं कंप्यूटर। और इसलिए जिससे आप टच कर सकते हैं या जिसे आप छू सकते हैं, क्या कहलाएंगे आपके? हार्डवेयर। जिन्हें टच नहीं कर सकते या छू नहीं सकते हैं हमारे कहलाते हैं आपके सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिखाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं? टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर मोर मॉडर्न इज कॉल्ड अपग्रेड, अपलोड, न्यू ग्रेड या फिर डेवलप्ड या फिर नन ऑफ द नंबर ऑफ दिस। तो भाई आपको यहां पर राइट आंसर देना है। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो यहां पर साइबर बता रहे हैं डी होगा। डी में क्या है? डेवलप्ड। ओके, राइज कह रहे हैं ए होगा, ए में है अपग्रेड। ओके, बी बता रहे हैं कुछ बच्चे, यहां पे बी होगा। ठीक है, और कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं। तो देखते हैं सर आपका आंसर यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है इस क्वेश्चन का। ए, बिल्कुल सर। देखो यार ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आंसर देखें हम लोग तो अब एक आता है आपका अपडेट, एक होता है आपका अपग्रेड, ये दो टर्म आते हैं आपके, है ना? अपडेट और अपग्रेड दोनों की बात करें सर, तो देखो सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, उस सॉफ्टवेयर को आप लोग क्या कर सकते हैं सर? अपडेट भी कर सकते हैं और अपग्रेड भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम अपडेट और अपग्रेड दोनों कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो आपका हार्डवेयर होता है, जैसा बताया आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये केबल, और केबल क्या होता है भाई? अपग्रेड होता है। 1 GB को मैंने क्या किया, 1 GB से उसको 2 GB रैम लगा दिया, अपग्रेड हुआ। या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे पास i3 प्रोसेसर था और मैंने i7 लगा दिया, क्या हुआ? अपग्रेड हुआ। यानी कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है मेरा? अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर को आप अपडेट कैसे करोगे यार? क्योंकि अपडेट में क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि कोई वर्जन है आपका, उसमें कोई नई चीज़ आई, कोई नया आपका आपको ऐड करना है उसके अंदर, उसी वर्जन में।
जैसे एंटीवायरस होता है तो उसकी कुछ डेफिनेशन को ऐड किया जाता है सेम वर्जन के अंदर, तो उसे हम लोग इंटरनेट से अपडेट करते हैं, अपग्रेड नहीं करते उसको। अपग्रेड में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफिस 2003 था और हमने 2007 ले लिया, तो वो क्या हुआ आपका, अपग्रेड हुआ, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, अपग्रेड कहलाता है। तो अपडेट और अपग्रेड में डिफरेंस ही यही रहता है कि भाई अपडेट और अपग्रेड दोनों हार्डवेयर में हो सकता नहीं हो सकते, सॉफ्टवेयर में होते हैं। हार्डवेयर में केवल क्या होता है, अपग्रेड होता है केवल, ठीक है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चलिए, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रयोग की जाती है, यानी कि यूज इम्पैक्ट प्रिंटर कौन किसका यूज करते हैं आप इसमें, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या साइलेनाइट मैग्नेटिज्म या फिर थर्मल टेक्नोलॉजी या फिर ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, क्या होता है आपका यूज इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो देखो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं हमारे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें आपको DMP मिल जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या फिर डेजी व्हील मिल जाएगा, है ना, या फिर आपको लाइन प्रिंटर मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रिंटर जो होते हैं आपके कस्बे होते हैं भाई आपके, ये होते हैं आपके यहाँ पर। पॉइंट ये है सर आपका कि इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर सोलेनाइट मैकेनिज्म का इसमें यूज़ होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन लगाइए फटाफट से इसका, आप फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर लगाते हैं भाई, साउंड की दिक्कत आ रही है, साउंड स्लो है, चलिए देख लेते हैं भाई, या साउंड से कर लिया करो भाई एक बार, बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए साउंड से रिगार्डिंग किसी तरीके की, ठीक है। बच्चों को दिक्कत हो तो हमको दिक्कत हो गई, समझ लेना तुम, समझ लो कंप्यूटर जी, ठीक है भाई। चलिए तो मेरा पॉइंट कहने का ये है आपका यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे इम्पैक्ट में आता है आंसर ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिखाई क्वेश्चन नंबर हमें 26। कीबोर्ड पर कुछ फंक्शन की होती हैं, तो ये वो कितनी होती हैं ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। हाउ मैनी कीज इन फंक्शन कीज इन ए कीबोर्ड, आपके कीबोर्ड पर जो कीज होती हैं फंक्शन की वो कितनी होती हैं, 10 हैं, 12 हैं, 100 हैं, या 1 है, या इनमें से कोई नहीं है, तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर। देखो यार फंक्शन की का पता है आपको, F1 होती है, F2 होती है, F3 होती है, F4 होती है, इनके यूज भी पूछे जाते हैं, लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितनी होती हैं। तो यहाँ पर दीपा कह रहे हैं सर 12 होती हैं, और बिल्कुल 12 होती हैं भाई, F1 से लेकर के F12 तक आपकी क्या होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है। F1 से लेकर के F12 तक कितनी होती हैं आपकी, फंक्शन कीज होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, चलिए आगे आते हैं सर, दिखाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका सामने, निम्न में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर है, या सीरियल प्रिंटर है, या लेजर प्रिंटर है, या प्लॉटर है, या फिर नन ऑफ दीज। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, DMP जो है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो DMP प्रिंटर होता है, ये जो प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है आपका इनमें से, तो भैया बताना है आपको, राइट आंसर देना है सही तरीके से, देखते हैं कितने आंसर देते हैं हमें। तो दिखाइए आंसर कंप्यूटर जी क्या होगा आपका यहाँ पर, ये रहा ऑप्शन बी, यानी कि सर सीरियल प्रिंटर, बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पर, सीरियल प्रिंटर होता है, क्योंकि लाइन प्रिंटर के अंदर हमारे कौन से आते हैं, ड्रम प्रिंटर आता है, राइट, वो आपका किसमें आता है, लाइन प्रिंटर में आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सीरियल प्रिंटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुस्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है, बहुत अच्छा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी चेक्ड फॉर आंसर टू मल्टीपल क्वेश्चंस, भाई ये इसका आंसर आप खुद बताएंगे, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब तो यूज नहीं होते हैं, लेकिन जब पहले आपका पेपर ऑफलाइन होता था तो आपको एक सीट दी जाती थी, और सीट को आपको उसमें
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रीड करके मार्क करना होता था, उसी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया वो कौन सा आपका स्कैनर होता है, तो OCR है, OMR है, MICR है या फिर आपका OMCR है या इनमें से कोई नहीं है। तो 28 का मुझे आंसर मिल रहा है यहाँ पर सर, ए, वेरी गुड। OMR दीपा भी बता रहे हैं, वेरी गुड भाई। ठीक है बच्चों, फटाफट से लिंक को यार लाइक नहीं किया है बहुत से बच्चों ने, जो बच्चों ने लाइक नहीं किया है अभी तक, या मैं देख रहा हूँ कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यार, भाई लाइक तो बनता है ना, राइट, और भाई शेयर भी बनता है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों चीज़ें करनी है आपको जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट। तो चलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, OMR। भैया यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि OMR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है भाई ऑप्टिकल मार्क रीडर। बड़े आराम से पढ़ेंगे सर हम लोग, स्लोली स्लोली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए आप यहाँ पे आ जा करिए, और आधे घंटे में सर यहाँ से कम 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपसे यहाँ से ले जा सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, यानी कि एक सेशन में। तो आप यहाँ पर रेगुलर बने रहोगे सर, तो यकीनन आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर के लेवल पर कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, OMR किससे संबंधित है। देखो भाई एक और क्वेश्चन आ गया आपका OMR का, भैया किससे संबंधित है, मतलब किससे ये आपका रीड करता है। तो OMR रिलेटेड टू कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशानों को पहचानता है, या फिर कागज को पहचानता है, या चित्र को पहचानता है, या फिर रिकॉग्नाइज कलर। तो क्या करता है आपका OMR, किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो फटाफट से लिंक को भाई बता दीजिए मुझे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर मज़ा आ रहा है सेशन में, जो आप बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, चीज़ें सारी क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है यार। हमारा पढ़ना ना बेकार है यार जब तक आपके पास तक वो चीज़ नहीं पहुँची, आपने अगर उसको नहीं समझा, आपने उसको अगर नहीं अपने माइंड में सेट किया, तो फ़ायदा क्या पढ़ाने का हमारा, बेकार है फिर, समझ रहे हैं। इसलिए अगर समझ में आ रहा है तो लिखिए सर हाँ समझ में आ रहा है, सारा चीज़ें क्लियर हो रही हैं प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, तो फिर यार और मज़ा आएगा हमें। यस, कमेंट करते रहिए लगातार। तो यहाँ पे आंसर जो बच्चों ने ए दिया है, वेरी गुड, बिल्कुल ए आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि सर आइडेंटिफाई द मार्क कंप्यूटर रिलेबल, यानी कि जो कंप्यूटर पर रीड किए जाते हैं मार्क्स, उनको रीड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, OMR, सॉरी आपका OMR का ही यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द पॉइंटिंग डिवाइस। आपको ये बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं, समझ रहे हैं आप, पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है। यस, रंजन सोनर का क्वेश्चन आया है सर, मजा आ रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस सेशन, ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। यार यार हमारी मेहनत तभी सफल हो जाती है जब आप लोगों के ऐसे कमेंट देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो हमारी मेहनत आपसे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट करती है, आपके कमेंट, आपके रिप्लाई, आपका यहाँ पे वॉचिंग का बढ़ना, बस ऑटोमेटिक हम को और मोटिवेट करता है कि यार और अच्छा कंटेंट देना है और अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया है, तो देखो जॉयस्टिक है, माउस है, कंट्रोल डिवाइस है, रेट है, नन ऑफ दिस। तो देखो यार होता क्या है, देखते हैं आंसर क्या है आपका, यहाँ पर पहले आंसर देख लेते हैं, क्योंकि जॉयस्टिक और माउस में देखें तो माउस आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि पॉइंट करता है सीधा सा, जिससे भी आप देखते हो सर, ये आपका क्या करता है, पॉइंट करता है, किसको पॉइंट करना है आपको, जैसे मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, या क्लोज करना है, तो ये सारी बटनें आपकी किससे होती हैं, माउस से यूज़ होती हैं, राइट। तो ये जो माउस है क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि पॉइंट करने काम आता है। ऐसे जितने भी डिवाइस, स्टाइलस हो, लाइट पेन हो, राइट, मेरा मार्कर है, ये भी मैं पॉइंटिंग किसे कह सकता हूँ, ये भी पॉइंट करता है, ठीक है। तो वो हर डिवाइस जो पॉइंटिंग के लिए होता है क्या कहलाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है भाई। देवयांशी चौधरी बिल्कुल उपाध्याय, आप CPCT के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, बस लगे रहिए आप प्रॉपर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। मसीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं, विच टू पार्ट्स ऑफ मसीन लैंग्वेज आर देयर।
यानी कि आपको ये बताना है कि सर मसीन लैंग्वेज के दो पार्ट में से कौन से हैं, हिंदी एंड इंग्लिश है, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, या कमांड एंड ऑपरेंड है, या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, या फिर नन ऑफ दीज है। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भाई यहां पे देखें अगर हम लोग, तो सर आपको बता दूं कमांड और ऑपरेंड दोनों पार्ट आपके ऐसे हैं जो मशीन लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है। 101 के फॉर्म में आपकी होती है मशीन लैंग्वेज और उसी के दोनों पार्ट होते हैं आपके यहां पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, मशीन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। फिजिकल पार्ट को क्या कहते हैं, फिजिकल पार्ट आर कॉल्ड हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर या प्रोग्राम। तो भाई फिजिकल पार्ट जो हमारे क्या कहलाएंगे आपके, हार्डवेयर कहलाते हैं भाई। अभी मैंने कुछ डिस्कस किया था उसी को थोड़ा सा इन्होंने घुमा के दे दिया गया है, तो क्या कहलाएंगे आपके, हार्डवेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिखाई नेक्स्ट क्वेश्चन। द विजुअल डिस्प्ले यूनिट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, मॉनिटर या माउस या कीबोर्ड या फिर जॉइंट या इनमें से कोई नहीं। तो भैया देखो आंसर देना है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती है VGA, आप जिसे वीडियो कहते हैं आप, तो वीडियो क्या कहते हैं, वीडियो, और वीडियो क्या है आपका, मॉनिटर कहलाता है। ठीक है, मॉनिटर। तो यहां पर आंसर क्या हो गया हमारा आपका, ये रहा ऑप्शन आपका यहां पर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरपीएम इनमें से किससे से संबंधित है, सीडी से है, प्रिंटर से है, फ्लॉपी से, या सीपीयू से है। आरपीएम जो है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई आरपीएम के बारे में बताना है आपको कि आरपीएम किस से संबंधित है। आरपीएम होता है कि जो आपकी बता दूं मैं आपको, जैसे आपकी ये हार्ड डिस्क होती है या सीडी होती है तो उसके अंदर आपका स्पिंडल मोटर होती है, ऐसे इस तरीके से उस पर वो घूमती है ना, तो जितने चक्कर लगाती है रोटेट पर मिनट जो होता है आपका कितना हो रहा है, एक मिनट के अंदर कितना वो घूम रही है, उसे हम कहते हैं आरटी आपका आरपीएम। तो यहाँ पे देखो हार्ड डिस्क तो है नहीं है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। दिखाइए आंसर जरा, आंसर क्या होगा, तो देख रहा हो ये रहा ऑप्शन सी, सी में गए हैं ये कहाँ पर, फ्रॉम द फ्लॉपी। ओके फ्लॉपी से सीडी, बट यार सीडी होना चाहिए, सीडी में होना चाहिए। चलो इसको देखते हैं क्योंकि ये इसमें सीडी दोनों ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है, दोनों से हो सकता है आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ सीपीयू अंडर विच द अदर ऑक्सिलरी डज आर फंक्शनल इज कॉल्ड, यानी कि सीपीयू का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे सहायक कोड क्रियाशील होते हैं क्या कहलाता है आपका, फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, या चेसिस या प्लेट, या इनमें से कोई नहीं। यह आंसर देना है आपको यहां पर, क्या कहलाएगा आपका। तो भाई अगर देखा जाए तो मेन सिस्टम जो बोर्ड होता है आपका उसे हम क्या कहेंगे, तो वो कहलाता है आपका सर मदरबोर्ड। आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि भाई मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंटर हेड पिन कितने होते हैं, प्रिंटर हेड जो होते हैं सर आपके कितने होते हैं, और ये आपको बता रहा डीएमपी प्रिंटर के अंदर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है उसके अंदर आपके प्रिंट हेड होते हैं कितने, 9 या 24 या फिर 6, 12 या फिर 8, 16 या फिर आपके 11 और 22। तो क्या आंसर आएगा सर आपका यहां पर इस क्वेश्चन का, दिखाई दे रहा आंसर कंप्यूटर जी मुझे,
तो भाई ये रहा ऑप्शन ए, 9 और 24 पेन इज द राइट आंसर। ये इसको याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो भाई सेशन पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा। यार शेयर नहीं कर रहे हैं बच्चे, मैं देख रहा हूँ सर बहुत बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, ठीक है। बताओ यार सभी लोगों को कि भैया SSC अड्डा पर कंप्यूटर के क्लासेस होती हैं, जिसमें आपका जितने भी टॉप लेवल के एग्ज़ाम आपके हों या प्लस हो या आपका SSC है या फिर जितने भी स्टेट लेवल के पेपर हैं, उन सब की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 दिखाइएगा। टेलीविजन का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविजन से किस कार्ड के जरिए जोड़ सकते हैं? तो टू यूज टेलीविजन एज अ कंप्यूटर थ्रू विच कार्ड कैन यू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द टेलीविजन? साउंड कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड या फिर पाल कार्ड या फिर डिस्प्ले कार्ड या फिर नन ऑफ दीस? तो बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, डिस्प्ले कार्ड। दिखाइए आंसर जरा कंप्यूटर जी। ये रहा सी, सी आंसर गलत है यहाँ पर सर। क्या आएगा यहाँ पर आपका? डिस्प्ले कार्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा। यस, ये 40 क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन को बैक करिए, इसका आंसर ग्राफिक्स कार्ड होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डिस्प्ले कार्ड भी नहीं होगा, ग्राफिक्स कार्ड होगा, क्योंकि ऑप्शन में ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है तो ग्राफिक्स कार्ड पहले होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड घटाया या बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? कैन बी रिड्यूस और इंक्रीज एट द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड फ्रॉम विच? टर्बो स्विच या ब्रिज या फिर माइक्रो प्रोसेसर या फिर कीबोर्ड या नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, टर्बो स्विच के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है भाई क्वेश्चन? यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए तो भाई ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, राइट। इससे आगे हम क्वेश्चन कराएंगे आपको कल। तो भाई यहां तक आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी तरह का कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। बाबूराज थैंक यू सो मच यार। देखो यार हम आपके लिए केवल मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस में और लेके आऊँगा और जितने भी आपके पॉइंट्स बनते हैं, अब हम जो कल से जो शुरू करने वाले हैं वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं या बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की डिमांड आप लोगों की ज़्यादा आ रही है, सर क्वेश्चन ज़्यादा कराइए, तो मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा कि जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चंस प्लस थ्योरी, साथ में थ्योरी भी कराता रहूँगा। तो टेंशन मत लीजिए आप, प्रॉपर तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको कवर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी समझ लीजिए आप, या जो एग्जाम में आ चुके हैं उनकी भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Two stars on your shoulders are better than millions in the sky. क्या आपके अंदर जज्बा है एक आर्मी ऑफिसर बनने का? क्या आप में जुनून है एयरफोर्स पायलट बनके आसमान को छूने का? चलो एक नेवी ऑफिसर बनते हैं और करते हैं समुंदर से बातें। डिफेंस के हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 24/7 लेके आ रहा है आपका अपना डिफेंस अड्डा। तो गाइस हो तैयार? हाउ द जोश।